रोहतास पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है जहां पुलिस ने मोस्ट वांटेड नक्सली चुनमुन उरांव और उसके पांच साथियों को गिरफ्तार किया है बताया जा रहा है कि चुनमुन ने पूर्व वार्ड सदस्य दुलारी देवी से रंगदारी मांगी थी और ना देने पर जान से मारने की धमकी दी थी जिसके बाद दुलारी देवी ने पुलिस को शिकायत की थी जिसके बाद जिला पुलिस और सीआरपीएफ पुलिस ने योजना बनाकर छापेमारी की और अपराधियों को दबोचा कि संलिप्तता के, के बिंदु पर किस -किस इनका क्या आपराधिक हम लोग हैं और बाकी जो भी इनके सहयोगी है संरक्षण देने वाले कार्रवाई कार्रवाई चल रही है आपको बता दें कि नक्सली चुनमुन उराव के खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं 2016 में लातेहार में छह पुलिसकर्मियों को बम से उड़ाने का आरोप भी इस पर है पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्यवाही कर रही है पंजाब केसरी टीवी के लिए रोहतास से रंजन सिंह की रिपोर्ट